Students, here we have sum of exercise 9.1. The sum says that write the following numbers in ascending order. Okay, ascending order क्या होगा हमारा? जो हमारा छोटा number है वो हमारा सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हमारा bigger number, उसके बाद उसका bigger number. Okay, जो bigger number है वो last में होगा और जो smaller number है उसको हम first में लिखेंगे. In first sum here we have -3/5, -2/5 and -1/5. Okay, you know that negative numbers the system is smaller number is bigger and the bigger numbers are smaller. Positive numbers से उल्टा होगा हमेशा. So here -1/15 is bigger. Here जो हमें question में दिया गया है as it is ही हमारा आंसर रहेगा. क्यों? क्योंकि -3/5, -2/5 एंड -1/5 से छोटा होगा हमारा. सो आंसर विल बी द सेम -3/5, -2/5 एंड -1/5. उसको हम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो स्मॉलर नंबर है वो बिगर नंबर होगा इन नेगेटिव नंबर्स. ओके, एंड जो बिगर नंबर है वो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा इन नेगेटिव नंबर्स. ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट -1/3, -2/9 एंड यर वी हैव -4/3. ओके, इन दिस सम वी हैव वन टर्म इन पॉजिटिव एंड बहुत बाकी के जो टर्म हमारे टर्म्स है -2/9 एंड -4/3. ओके, वो दोनों है हमें नेगेटिव में दिए गए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर के LCM लेंगे हम और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि वो हमारा कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा. ओके, 3, 9 एंड 3 का LCM लेंगे. Here we have smallest prime number 3. So I will write 3 here. 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Now we have the only number 3. So I will write here 3 1 1. Okay. Now the LCM is 3 into 3 which is 9. Okay. LCM of the given term is 9. I will make 1/3 -2/9 and -4/3 in the term of 9. Okay. 1/3 को मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो मुझे मिल जाएगा 3/9. -2/9 को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 9 है, तो वो हमारा एज इट इज़ रहेगा. -4/3 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तभी हमें उसका डिनोमिनेटर 9 मिलेगा. सो इट विल बी -12/9. ओके, the new numbers are 3/9, -2/9 and -12/9. okay, जो हमारा पॉजिटिव नंबर है वो तो सबसे बड़ा होगा ही, वो हमें पता है, वो तो हमें साइड में रख ही देंगे. ओके, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज बिगर देन आवर नेगेटिव नंबर्स. अब मुझे फाइंड करना है -2/9 एंड -12/9 में से कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है. ओके, सो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर में उल्टा साइन होगा, मीन्स -2 है वो -12 से बड़ा होगा. ओके, -2 -12 से बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली हमें मिल गया -12 जो है हमारा वो सबसे छोटा नंबर है. तो आई विल राइट आंसर इज -12/9, -2/9 एंड देन 3/9. ओके, सो इट इज़ अवर आंसर.